सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नए वीडियो में। लेके आ चुका आप लोगों के लिए काफी कमाल की इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लाउड स्टडी जैम जेन एआई 2024 के एनरोलमेंट फॉर्म के बारे में। फाइनली जैसा मैंने बोला था, 1 मई को सबके कन्फर्मेशन मेल आ जाएंगे। सो क्या ये मेल है, इसमें जो कोड दिया गया है उसे कैसे रिडीम करना है, फर्क नहीं पड़ता आप कोई सी भी GDSC से हो, रिडीमशन की प्रोसेस सेम होने वाली है, ठीक है। सो डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल प्रोसेस बाय प्रोसेस एक एक चीज समझाऊंगा, कैसे कोर्सेज में एनरोल करना है, कैसे आपको अपने सब्सक्रिप्शन को क्लेम करना है। सो वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने अभी तक हमारा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, क्योंकि इसके अंदर हम इन डेप्थ जावा और DSA आपको सिखा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके थ्रू मैंने अपनी कंपनी क्रैक करी, आप भी कर सकते हो। चलते अपने एनरोलमेंट फॉर्म की तरफ। तो यार मैं आ चुका हूं अपने एनरोलमेंट फॉर्म पे। कुछ इस तरीके का आपको ये मेल आएगा, एनरोलमेंट ईमेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एनरोल्ड इन जेन एआई स्टडी जैम। अब एक चीज समझ लो, जिनको भी ये मेल आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप जो इस प्रोग्राम में प्रॉपरली एनरोल हो चुके हो, और ये मेल जो है गूगल की तरफ से आया है, ठीक है। सो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। बात कर लेते कि अब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यार सबसे पहले तो आपको थैंक यू कर रहे हैं कि आपने जो है जेन एआई स्टडी जैम में पार्टिसिपेट करने का सोचा, और ये एक्साइटेड आपको ऑनबोर्ड करने के लिए, क्योंकि आप अपने करियर में अहेड जाने वाले हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं कि आपका जो ये जेन एआई इवेंट है वो 28 मई से पहले आपको खत्म करना, और जल्द से जल्द खत्म करना, क्योंकि जितनी जल्दी खत्म करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके कि आप जो है आपके स्वैग्स के लिए एलिजिबल हो पाओ, ठीक है। बात कर लेते हैं कोड को आपको रिडीम कर लेना है, जिसके थ्रू आप जो एलिजिबल हो पाओगे आपके इवेंट को कंप्लीट करने में, इस कैंपेन को कंप्लीट करने में। सबसे पहले ये सारे कोड्स दिए हुए होंगे, कोड्स सबके अलग अलग हो सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, बट इनको रिडीम करना है 15 मई से पहले, हम तो आज ही कर लेंगे, ठीक है। तो इस पर मैं राइट टैप करता हूँ, एक नए लिंक को ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे जो है कुछ इस टाइप का ही ओपन हो जाएगा यहाँ पे, एंड उस आईडी से आपको इधर साइन इन करना है जिससे आपको इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो मैं करके आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो ये यहाँ पे एनरोल हो चुका हूँ। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको जो स्किल बेस दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने सही चीजें होगी। सिंपली आप जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर जो है आपको इसको कंप्लीट करना है, तो सिंपली हमने ओपन कर लिया है। अब आपको मतलब मान लो कि इसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट मॉड्यूल पे आपको टैप कर देना है, एंड ये जो है आप पर्टिकुलर प्रोग्राम में एनरोल हो चुके हो, ठीक है। सो ये हम एनरोल हो चुके हैं, अब यहाँ से बैक आ जाएंगे, ठीक है। बैक आने के बाद जो है यहाँ से अगेन हमें इस पे आ जाना है, एंड यहाँ से मेन मेन्यू पे वापस चले जाएंगे, कोई इशू की बात नहीं है, एंड अगर ज़्यादा दिक्कत है तो यहाँ से बैक आ जाना, ठीक है। सो ये हम जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, इस पर्टिकुलर बैच के अंदर एनरोल कर जाएंगे। अगेन प्रॉम्प्ट डिजाइन इन वर्टेक्स यही पे मैं टैप कर देता हूँ, एंड इसको आप जो है एनरोल कर चुके हो, ठीक है। ये जो आपको कंप्लीट करनी है, कैसे कंप्लीट करनी है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको कंप्लीट कर लेना है आपको। तो सबसे पहला तो ये हो गया, दूसरा आपको जो है इस वाली को ओपन कर लेना है, एक एक बार ओपन करनी है, और इन सारे लैब्स के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। डेवलप जेन एआई ऐप विद जेमिनी स्ट्रीमलेट, ओके, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको स्टार्ट मॉड्यूल पर टैप कर देना है, तो ये जो इवेंट है आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका जो ये परसेंटेज लिखा आ जाएगा, एंड ये आपको कंप्लीट कर लेना है। स्टार्ट कर करके सारे लैब्स को कंप्लीट करोगे तो आपको जो इसके बैच मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे वो हम देखेंगे अभी। एंड अगेन बैक आ जाते हैं, लास्ट वाले को ओपन कर लेते हैं, एंड इसको हमें ओपन करना है, ठीक है। अच्छे से ओपन कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ, एंड यहाँ पे इस कोड को पर्टिकुलरली कॉपी करना, ठीक है, एंड इसको जो है मैं इधर आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, ज्वाइन दिस गेम पे क्लिक करना, और यहाँ पे जो इसको पेस्ट कर देना, और इसको ज्वाइन पे आपको टैप कर देना है, ठीक है। सो ये जो है हम पर्टिकुलर इवेंट में ज्वाइन हो गए, ऐसा कुछ आएगा, इसको अपना नेम देना चाहते हो तो दे देना, मैं अपना नाम इधर दे देता हूँ, एंड इधर सबमिट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर आपको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि स्पॉट्स कम रहते हैं, एंड अभी ये नॉर्मल आर्केड के लिए भी ओपन हो जाएगा, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये चीज़ हमने कर ली है, तीनों इवेंट में ज्वाइन कर लिया है। अब सो यार यहाँ पे जो है हम एनरोल हो चुके सारे गेम में, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपको साइन आउट कर लेना है, ठीक है। जहाँ पे हमने साइन इन करा था वहाँ से अपनी आईडी से साइन आउट कर लेना, एंड इस पेज को टोटली क्लोज कर देना जितने भी आपने ओपन करके रखे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, हमें जो है अपना सब्सक्रिप्शन कोड क्लेम करना है। अब ये सब्सक्रिप्शन कोड कैसे क्लेम होगा, तो सिंपली आपको दिए गए कोड को कॉपी कर लेना है, सबके अलग अलग होंगे, और इसको आप जो है बहुत देख के यूज करना, किसी और के साथ शेयर मत करना, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया है, देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एंड एंटर योर कोड पे क्लिक कर देना है, मेक श्योर आईडी आपकी साइन आउट हो, ठीक है। देन आपको इधर पेस्ट करना है, देन आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, इधर जो भी आपको कैप्चा दे उसको आपको रिजॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये मैंने जो है रिजॉल्व करके वेरीफाई करवा दिया है, देन आपको सबमिट पे इधर टैप कर देना है। सबमिट पे टैप करने के बाद आपको उस आईडी से साइन इन करना है जिस पे आपको क्रेडिट्स चाहिए, ठीक है। तो मैं जो है अपनी जेन एआई वाली आईडी पे साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है मैं साइन इन हो चुका हूँ, अब हम चेक करते हैं हमें 9 क्रेडिट्स मिले कि नहीं। तो यहाँ पे हमें हमारे 9 क्रेडिट्स जो है वो मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपको इस लैब को ओपन करना है। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको 9 क्रेडिट्स नहीं मिले, अगेन फॉलो द सेम प्रोसेस, ओके, साइन आउट करके साइन इन,
ठीक है। देन स्टार्ट द लैब पे आपको क्लिक कर देना है। स्टार्ट द लैब पे जैसे क्लिक करोगे आई एम नॉट रोबोट पे आपको टैप कर देना है एंड देन आपको सीधे टास्क फोर पे ओके पहले हमें जो है इसको ओपन करना पड़ेगा। तो पासवर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉन्सोल को जो है हम इनकॉग्निटो में ओपन कर लेंगे, यूजर नेम जो है हमारे लिए लिखा आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको एंटर प्रेस कर देना है, देन पासवर्ड को जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंटर दबा देना है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है। आई अंडरस्टैंड पे मैं टैप कर देता हूँ एंड इसको जो है हमने ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे जो है आपके सामने आपका क्लाउड कॉन्सोल ओपन हो चुका है। देन आपको आ जाना है बैक, देन आ जाना है आपको टास्क नंबर 4 पे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे डायलॉग फ्लो API पे क्लिक आपको कर देना है, मतलब कॉपी कर देना है बेसिकली। एग्री एंड कंटिन्यू काफी बार आता है, अगर आए तो कर देना, नहीं आए तो कोई इशू की बात नहीं है। इधर आके पेस्ट कर देना इस चीज को एंड यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा डायलॉग फ्लो API, इस पर टैप कर देना। ये मैंने टैप कर दिया है, यहाँ पे आके हमें इस पर्टिकुलर API को अनेबल कर देना है। ये मैंने अनेबल पे भी क्लिक कर दिया है एंड देन अगेन जैसे ही अनेबल हो जाएगी हमको आ जाना है बैक, नीचे स्क्रॉल करेंगे। इस लैब में सिर्फ ये एक टास्क है तो ये मैंने चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक कर दिया। अगेन अपडेट होने में टाइम लेगा क्योंकि ये बेसिकली स्लो है लैब थोड़ी, ये 100 out of 100 मिल चुका है। अभी आपको लैब को एंड लैब नहीं करना है, ठीक है, लैब को एंड लैब पे आपको टैप नहीं करना है। आपका एक इंपॉर्टेंट काम है जो आपको यहाँ पे फॉलो करना है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं सबसे ऊपर आ जाता हूँ लैब के अंदर, ये मैं सबसे टॉप पे आ गया हूँ एंड अब आपको आ जाना है अपने मेल पे। यहाँ पे देखो नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे आपको एटलीस्ट 6 मिनट स्पेंड करना है इस लैब के अंदर। अब मे बी डिपेंड करता है आपका टाइम 1 घंटा 6 मिनट हो या 7 मिनट हो या आपका घंटा आपका जो टाइम है वो 40 मिनट हो, ठीक है। सो अपने टाइम के हिसाब से अपना अपना जो है 6 मिनट या 7 मिनट, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट वेट कर लो क्योंकि एक बार में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, वरना फिर से पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी एंड फिर वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ठीक है। सो 10 मिनट वेट करना, जैसे ही मेरे 6 मिनट कंप्लीट होते हैं मैं परफेक्ट टाइम पे लॉग आउट कर जाऊंगा, ठीक है, और आपको शो करूंगा कि आपको सब्सक्रिप्शन मिला है या नहीं मिला है। तो चलो एक बार ये कंप्लीट हो जाने देना। सो गाइज यहाँ पे जो हमारे ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, मैं यहाँ पे लैब को एंड लैब पे क्लिक करके ये मैंने एंड लैब पे टैप कर दिया है एंड मैं शो कर देता हूँ मुझे जो है सब्सक्रिप्शन मिला है कि नहीं। तो मैं बैक आता हूँ, ठीक है, मैं बैक आ चुका हूँ। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, 9 क्रेडिट्स अभी भी दिखा रहा है, मतलब अभी हमें सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, पर आपको वेट करना है। देखो यहाँ पे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आ गया। अब काफी सारे लोगों को एकदम से ये चीज शो नहीं करेगी, यहाँ पे मेल में भी ये चीज साफ साफ लिखी है, डोंट वरी इफ यू डोंट गेट द क्रेडिट पार्ट्स, समटाइम्स ये कुछ मिनट लेता है तो आपको लैब को कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करना है, मतलब इस पेज को कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करना है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि 30 से 40 मिनट बाद भी शो करे, तो ये डिपेंड करता है, अगर 30 से 40 मिनट बाद भी शो ना करे तो फिर से एक बार ये प्रोसेस को अगेन करना है आपको एंड देन उसके बाद भी नहीं मिलता है तो आप इस पर्टिकुलर मेल पे मेल करके उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन क्लेम हो गया। अब जो है आप यहाँ से लैब करना स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप ये Level 3 GenAI वाली लैब कर लो, ठीक है। इसके सारे सॉल्यूशंस जो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए, आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड ये जो डिलीटेड वीडियो है ये अभी कुछ देर में पब्लिक हो जाएंगे तो इसके आपको डोंट वरी टेंशन नहीं लेनी, ऑलरेडी 2 सॉल्यूशंस अपलोड हो चुके हैं, सो धीरे धीरे करके वो भी अपलोड हो जाएंगे एंड इसके सारे के सारे सॉल्यूशन चैनल पे अवेलेबल है। सो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको मिल जाएगी जैसे ही कंप्लीट होगी। आपको वो चेक कैसे करना है कि आपका कंप्लीट हो गया है, सो पब्लिक प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको आपका वो जो बैच है वो भी शो हो जाएगा। तो जाके कंप्लीट कर लो इस पर्टिकुलर लैब को। बात रही इन दोनों की, तो इन दोनों के सॉल्यूशन भी हम जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड रहना इन दोनों सॉल्यूशंस के लिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।